हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन, और जिसमें कि हमारे पास में कुछ प्रूफ है, और यही प्रूफ जाकर के ये थ्योरम है। एक्चुअली में यहाँ पर ये थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रही है? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सीआर। इसको हमें प्रूफ करना है, फिर हम इसको एज अ आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वो हमारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद में और क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम असाइनमेंट में देंगे, जो भी हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। यदि नहीं आता है तो हम उसको जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास में एक थ्योरम है, जो कि है हमारे पास एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू, हमें प्रूफ करना है एन प्लस वन सीआर। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में एनसीआर का फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। एनसीआर इक्वल्स टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन ऑफ एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू ऑफ आर फैक्टोरियल। क्लियर? एन सी आर माइनस वन क्या होगा? यहां पर एन सी आर माइनस वन होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। क्लियर? इनटू में आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यही होगा ना। और यहां पर हमने क्या किया, एलएचएस को लिया हुआ है। एलएचएस से हम आरएचएस में जाने की कोशिश करेंगे। यहां पर यदि हम देखें तो न्यूमरेटर से तो एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ठीक है? न्यूमरेटर से एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। इसको यदि हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये वन अपॉन आर फैक्टोरियल हो जाएगा। आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आर फैक्टोरियल को लिखा हुआ थी, यहां पर एन माइनस आर है तो यहां पर हम इसको एन माइनस आर ही रहने देते हैं। एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये प्लस में हो जाएगा, इसमें तो हमने वन ही रहेगा। यहाँ पर r माइनस वन का फैक्टोरियल है तो इसको हम r माइनस वन का फैक्टोरियल लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है, n माइनस आर प्लस वन है। क्लियर? n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है। इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म आएगा n माइनस आर प्लस वन, दूसरा टर्म आएगा n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, यानी n माइनस आर प्लस वन, और इससे आप एक नीचे जाते हैं n माइनस वन करते हैं, तो यहां से वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्लियर? यहाँ पर इतनी बात समझ में आ रही है, ये बचेगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ भी है एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पर आर माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ भी हमारे पास आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसको यदि हम कॉमन लेते हैं तो फिर क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल होगा। हमारे पास में बचेगा क्या, वन अपॉन आर, यहाँ पर प्लस में वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो बचेगा एन माइनस आर प्लस वन माइनस प्लस आर हो जाएगा, होल डिवाइड में होगा यहाँ पर आर ब्रैकेट एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है? ये आर से आर कैंसिल होगा, यहाँ पर एन प्लस वन बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास में एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। अब यहाँ यदि हम ऑब्जर्व करें तो एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल है, तो एन प्लस वन इंटू यदि एन फैक्टोरियल है तो क्या हम इसको एन प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? इसको यदि हम पूरे न्यूमरेटर को एन प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर हम यदि देखें तो ये तो आर माइनस वन फैक्टोरियल है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, आर टाइम्स ऑफ एन माइनस आर प्लस वन। तो देखो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो यदि हमारे पास में आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल है तो क्या हम इसको कंबाइनली आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और आर को यदि ये प्रोडक्ट होता है इन दोनों का तो हम इसको लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल। अब हमारे पास में टर्म बचा हुआ है एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन है यहाँ पर, तो इसको हम क्या है, हमारे पास एन माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई में है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखो एन माइनस आर प्लस वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। यहाँ पर हमें इतनी बात समझ में आ रही है। इसको यदि हम आगे एक्सप्लेन करें, इसको यदि हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो हमारा एन प्लस वन फैक्टोरियल हो गया, दिस इज एन प्लस वन फैक्टोरियल। हमें आर एच एस में क्या चाहिए, एन प्लस वन सी आर चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड में एन प्लस वन माइनस आर, यह हमारे पास में है एन प्लस वन माइनस आर।
क्लियर। तो डिवाइड में हम लिखेंगे एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर हमारे पास में क्या होना चाहिए, आर फैक्टोरियल, ये हमारा आर फैक्टोरियल है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी आर। क्लियर, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, एन प्लस वन सी आर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी फॉर्मूले के बेस्ड पर हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको हम समझेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हमें केवल और केवल कि यहाँ पर एक फॉर्मूला रखना है एनसीआर का, एनसीआर का, उसके बाद में यहाँ पर तो ये सिंपल कैलकुलेशन ही है। ओके, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जिसमें कि हम इसमें बोले कि यदि हमारे पास में कोई फॉर्मूले है, ये फॉर्मूला हो गया ना एन प्लस एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। यदि हम यहाँ पर बोले सेवन सी फोर प्लस सेवन सी थ्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एट सी थ्री की बात, यहाँ पर एट सी फोर की बात कर ले, डायरेक्टली हम यहाँ पर बोल सकते हैं एट सी फोर। कैसे, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये क्या होगा एन प्लस वन सी आर होगा। इसको हम चेक करते हैं, एन सी आर यहाँ पर एट सी फोर की वैल्यू क्या होगी, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर का फैक्टोरियल, 8 माइनस फोर का फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल, यही होगी। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 होता है, तो 3 टू जा 6 होगा, तो ये 6 से कैंसिल कर देगा, 4 टू जा 8 यहाँ पर, 7 फाइव जा 35 टू जा 70 आ गया, ये RHS में 70 आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम LHS में देखें तो 7C4 क्या होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 यानी 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। प्लस 7C3 की बात करें तो 7 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है, इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब हम यदि देखें तो यहाँ पर 7 इंटू 5 इंटू 6, 7 इंटू 5 इंटू 6 ये हमारे दो बार ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 टू जै 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जै 30 टू जै 70, ये भी हमारा LHS में आ गया है। तो हमने इस फॉर्मूले को किसी भी एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया है। इसको हम यहाँ पर दो फैक्टर्स, यहाँ पर दो फैक्टोरियल ना निकालें, यानी कि 7C4 और 7C3 की वैल्यू ना निकाल करके हम डायरेक्ट 8C4 की वैल्यू निकाल करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, जो कि हमारे पास में गिवन है NC9 equals to NC8 given, NC9 equals to है NC8 और हमें फाइंड करना है NC17 फाइंड करना है। तो NC9 equals to यदि NC8 given है तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे n की वैल्यू निकल के आएगी, उसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 8 का फैक्टोरियल इनटू ऑफ 8 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हम 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल, यहाँ पर ये 8 n माइनस 9 है, तो इसको हम n माइनस 9 फैक्टोरियल ही रहने देते हैं, 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं यहाँ पर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 फैक्टोरियल दिख रहा था, n फैक्टोरियल यहाँ पर एक एक नंबर हम माइनस चले जाते हैं, तो 8 माइनस 8 तक, n माइनस 8 इंटू n माइनस 8 माइनस 1 दैट इज n माइनस 9 का फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल है। तो ये n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में ये n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, n माइनस 8 इक्वल्स टू क्या बच रहा है, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो n माइनस 8 इक्वल्स टू 9, यहाँ से वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है n इक्वल्स टू 8 टू जो 16 प्लस 1 17, n की वैल्यू 17 निकल के आती है, और हमसे पूछा क्या गया, NC17 की वैल्यू पूछी गई है, n की वैल्यू 17 निकल के आती है, NC17 की वैल्यू पूछी गई है, इट मींस हमसे क्या पूछा गया, 7C17 की वैल्यू, NCN की वैल्यू क्या होती है 1, NCN की वैल्यू होती है 1। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 16 लेते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पर रखिए आपको n की वैल्यू बतानी होती है, आगे हम इसको क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास में है 2NC3 रेस टू NC3, 2NC3 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2N का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2N माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू में 3 का फैक्टोरियल, और इसका रेशियो किसके साथ में, NC3 के साथ में, तो NC3 क्या बनाएगा, N फैक्टोरियल,
डिवाइडेड बाई एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल इंटू में थ्री का फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर है, ये है 11/1 के इक्वल है। क्लियर है इतनी बात? तो ये थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, अब ये क्या रहेगा इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे ऊपर जाएगा 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में n माइनस थ्री का फैक्टोरियल हो जाएगा, होल डिवाइड में यहाँ पर क्या होगा 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल है, 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल है, और फिर यहाँ पर क्या रहेगा 2n माइनस थ्री का फैक्टोरियल है, अब यहाँ पर ये n माइनस थ्री भी आ जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा n का फैक्टोरियल आएगा, दिस इज इक्वल टू 11/1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 2n माइनस थ्री है, इसको किसी तरह से हमें आगे भी एक्सपेंड करके लिखना है, वो कैसे लिख सकते हैं उसको हम देखते हैं। 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दिख रहा था। क्लियर है? और यहां पर बचा हुआ क्या है n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये कहीं ना कहीं इसको कैंसिल आउट कर देगा। n फैक्टोरियल को फिर से हम n माइनस 3 देख रहे हैं हमें न्यूमरेटर में, तो हम n फैक्टोरियल को n माइनस 3 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल, दिस विल बी इक्वल टू 11/1, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इस वाले n से हमारा ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 है, और यहाँ पर हमारे पास 2n माइनस 2 है, यदि हम इससे 2 कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या था 2 था, तो मल्टीप्लाई में 2r भी हो जाएगा होल डिवाइड बाय। न्यूमरेटर के बाद डिनोमिनेटर में देखें तो n माइनस 1 और n माइनस 2 है, तो हमारे पास n माइनस 1 और यहाँ पर n माइनस 2 है, और ये हमारे किसके इक्वल हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 11/2 के इक्वल हो रहा है। तो जब ये हमारा 11/2 के इक्वल हो रहा है, 11/1 के इक्वल हो रहा है, 11/1, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8n माइनस 2 2 जा 4, इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू होगा 11 टाइम्स ऑफ n माइनस 2, आगे क्या आएगा 8n माइनस 4 इक्वल टू होगा 11n माइनस 11 2 जा 22। अब हमारे पास में क्या आएगा 11n, यहां से 8n जाएगा तो 3n बचेगा, और ये 22 इधर पे आएगा, तो यहां पर 22 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आएगी, और हमसे क्या n की ही वैल्यू पूछी गई है। यहां पर कई केस ऐसे भी बन सकते हैं जहां पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा होता, तो फिर वहां पर क्या हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके n की 2 डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि n की केवल एक ही वैल्यू है, n की 2 वैल्यूज भी आ सकती है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में सीट में और भी रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, समझना है, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स पर जाएंगे। ओके?